एवरी वन वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन दिस इज़ रश्मि सिन्हा यू आर नॉट वाचिंग यू आर लिसनिंग मी ऑन माय चैनल सो लेट्स बिगिन जैसा कि आप ऑपरेटर लेसन पे चल ही रहे हैं और ये उसके कुछ ऐसे बारीक टॉपिक्स हैं जो आज डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है इसके बाद हम जाएंगे लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर की तरफ तो इससे पिछले वीडियोज़ में आपने प्रीफिक्स सफिक्स भी देख लिया है साथ में लॉ ऑपरेटर्स भी देख लिया है अगर अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स को हम डिवाइड करें तो वो तीन तरह के माने जाते हैं बहुत ही छोटी सी टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, unary, और turnary, है? में एक ही ऑपरेंट यूज होता है बाइनरी में दो ऑपरेंट और टर्नरी में थ्री ऑपरेंट्स होते हैं यहां सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स को हम कैसे पहचानते हैं एक सिंगल प्लस और सिंगल माइनस के सिंबल जो है वो यूनरी और बाइनरी में दोनों में यूज होगी यूनरी ऑपरेटर में सिर्फ एक ही ऑपरेंट है बाइनरी ऑपरेटर ऑपरेटर में दो ऑपरेंट होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप माइनस सेवन लिख रहे हो तो वो क्या है एक यूनरी ऑपरेटर है जिसका मतलब जिसमें एक ही वैल्यू है वो है सेवन और अगर आप सेकेंड ऑप्शन देखिए जो लास्ट वाली है थ्री माइनस सेवन लिख रहे हो तो इसमें दो ऑपरेटर्स हैं तीन और सात यानी थ्री और सेवन तो इसे हम बाइनरी ऑपरेटर बोलेंगे और हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर आप ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन ऐसे नाम से सुनकर आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे लेकिन मैं आपको बताती हूँ मैथ्स में अल्जेब्रा जब आप बनाते हो तो आप ब्रैकेट्स का यूज़ करते हो ठीक है आप ये कली ब्रैकेट्स यूज़ करते हो या आप स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ करते हो या फिर आप लार्ज ब्रैकेट यानी स्क्वेयर वाली जो ब्रैकेट्स होती हैं वो यूज़ होती हैं तो जब आप किसी चीज़ पे ब्रैकेट लगाते हो उसका क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है यू नीड टू कंपाइल या यू नीड टू गेट द आंसर फर्स्ट दैट विच इज़ इन अ ब्रैकेट राइट यानी हम उसे ज़्यादा वैल्यू वैल्यूबल मान रहे हैं तो यहाँ आप देखिए जैसे कि टेन प्लस फ़िफ्टीन स्लैश फाइव तो टेन प्लस फिफ्टीन इज़ इन अ ब्रैकेट तो द रिजल्ट इज़ डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन वेदर द एडिशन और डिवीज़न इज़ परफॉर्म्ड फर्स्ट जब डिविज़न और एडिशन को परफॉर्म करेंगे तब थोड़ा सा फर्क आता है लेकिन टेन प्लस फिफ्टीन है तो आपको टेन प्लस फिफ्टीन को पहले सॉल्व कर लेना है और फिर आप उसको स्लैश फाइव करोगे दूसरी बार टेन प्लस फिफ्टीन स्लैश फाइव इस बार फिफ्टीन प्लस स्लैश फाइव जो है वो ब्रैकेट के अंदर है तो इस बार हम उससे पहले सॉल्व करेंगे फिर उसको टेन से ऐड करेंगे तो यू शुड बी एक्सप्लिसिट एंड यूज पैरंथिस टू अवॉइड कन्फ्यूजन तो जब आप पैरंथीसिज लगा देते हैं यानी जिसको स्मॉल ब्रैकेट बोल रहे हैं हम तो आपकी वैल्यू का आंसर जो वो डिफरेंट हो जाता है लाइक मैथ्स ठीक है इसी ही हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन और मॉड्यूल को लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा सिंबल लगाएं और वो क्या रिजल्ट देता है तो द रिजल्ट ऑफ एन इंटीजर डिवीजन इज एन इंटीजर द फ्रैक्शनल पार्ट इज ट्रंकेटेड उसको हम नहीं काउंट करते हैं राइट right? मतलब अगर आपने डिवीजन, जिसको हम स्लैश बोलते हैं अगर वो सिंबल यूज किया तो आपको आंसर आएगा कोई टेंट जबकि अगर आपने मॉड्यूल सिंबल यूज कर लिया तो आपको आंसर आएगा रिमाइंडर ठीक है बट वॉट इफ वी डिवाइड सिक्सटी थ्री बाई थर्टी फाइव डिपेंडिंग ऑन द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल दैट स्टोर द नंबर विल बी प्रोड्यूस इन डिफरेंट रिजल्ट ये देखिए इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं अगर आप इंट आई सिक्स ले रहे हो और इंट जे थर्टी ले रहे हो अब आपने आई स्लैश जे लिखा तो आपका आउटपुट वन आया क्योंकि वो सिर्फ एक बार ही डिवाइड हो पाया है थर्टी फाइव वन सा बस तो उसकी कोईटेंट में वन है उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया रिमूव हो जाता है अगर आप डबल लिख देते हो डबल का मतलब है कि जो भी डेसिमल वैल्यू है वो भी मुझे चाहिए आपको पता है ये फ्लोट का बड़ा भाई है डबल तो फ्लोट लिखते तो भी आपको डेसिमल वैल्यू आती डबल लिखते तो भी आपको डेसिमल वैल्यू आती बट हम डबल इसके यूज़ करते क्योंकि थोड़ा ज़्यादा समझिए हेल्पफुल है मान लीजिए कि आपको आ, आपके पास एक बॉक्स है और आपको उसमें कुछ सामान रखना है तो अगर आप सामान अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इसमें एडजस्ट करेगा कि नहीं तो पहले ही बड़ा बॉक्स ले लें तो आराम से वो एडजस्ट कर जाएगा तो दिस इज़ जस्ट लाइक दैट कि आपने डबल वैल्यू ले ली तो आप अवॉइड करें कि कोई वैल्यू छूटेगी नहीं फ्लोट लेंगे तो लिमिटेड वैल्यू ही वो लेगा तो हमने यहाँ पर डबल लिखा है अब जब आप उसे मॉड्यूल करते हैं अब आप उसे जब स्लैश यूज़ करते हैं तो आपको पूरा फ्रैक्शनल आंसर आ जाता है विच इज़ वन ये भी कोई टेंट है ये भी क्वेटेंट है बट आपको आंसर क्या मिल गया फुल कोईटेंट मिल गया वन पॉइंट एट जबकि पिछली बार आपको सिर्फ मिला था वन फर्क समझ के कि जब आप मॉड्यूल यूज स्लैश का सिम्बल यूज कर रहे हैं दोनों ही केसेस में इंट डालेंगे तो सिर्फ कंप्लीट इंटीजर आएगी डेसिमल्स नहीं डबल डालेंगे तो दोनों आ जाएगी अब जब मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो क्या होता है वेन एन integer इज डिवाइडेड बाई अनदर इंटीजर द रिज़ल्ट इज अनदर integer, राइट ट्वेंटी सिक्स डिवाइडेड बाई फाइव प्रोड्यूस एन इंटीजर वैल्यू फ़ाइव क्योंकि फ़ाइव फाइव जै ट्वेंटी फ़ाइव तो वो तो आगे डेस में लेगा ही नहीं टू ऑपटीन द रिमाइंडर जो मगर अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो इस बार आप परसेंट का साइन जिसे मॉडुलस कहते हैं वो यूज़ करेंगे तो जब आप ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स डिवाइडेड बाई फाइव करोगे तो फ़ाइव फाइव जै ट्वेंटी फ़ाइव हुआ और लेफ्ट क्या रह गया रिमाइंडर इज सो इन दैट केस आपको मॉड्यूल के फॉर्म में आंसर मिलेगा तो ऑपरेटर प्रोड्यूसेस द द रिमाइंडर आफ्टर एन इंटीजर डिवीजन फाइंडिंग मॉड्यूल कैन बी वेरी यूजफुल द मॉड्यूलस ऑपरेटर कैन बी यूज इन लूप्स टू ट्रैक सर्टेन पैटर्न ऑफ कोड एग्जीक्यूशन यानी जब आप प्रोग्रामिंग बनाओगे तो लूप में हम इसका इस्तेमाल करके काफी सारे प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे वो तो आप अभी आगे देखते ही जाएंगे क्या गलती करते हैं हम ये एरर है जो आप करते हो वेन आई डिवाइड फाइव डिवाइडेड बाई थ्री आई गेट वन वॉट्स रॉन्ग द इंटीजर डिविजन ऑलवेज रिजल्ट इन इंटीजर वैल्यू इन ऑर्डर टू ऑप्टेन अ फ्रैक्शनल रिटर्न वैल्यू प्लीज़ यूज़ अ फ्लोट और अ डबल जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपको कंप्लीट कोई चाहिए था तो आपको अंदाज़ा तो हो ही गया था कि इसकी वैल्यू जो है आपको फ्रैक्शन में आएगी तो आपने क्यों नहीं डबल में लिखा आप लिखते डबल आई इज इक्वल्स टू फाइव और डबल जे इज इक्वल्स टू थ्री और फिर आप उसको डिवाइड करते तो आपको पूरा आंसर मिल जाता एन एग्जाम्पल देखिए अगर आप 5.0 और 3.0 को डिवाइड करेंगे तब आपको पूरा आंसर मिल जाएगा तो दिस इज द वे दिस इज द मिस्टेक पीपल डज एंड बिकॉज ऑफ दैट दे गेट रॉन्ग आंसर्स ओके असाइनमेंट ऑपरेटर देख लीजिए असाइनमेंट ऑपरेटर एकदम छोटी सी बात है बहुत ही छोटी बात ए इज इक्ल्स टू वन इसका मतलब ये नहीं कि ए की वैल्यू वन है इसका मतलब है ए के अंदर हमने वन वैल्यू को स्टोर किया है ठीक है द बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर जिसको हम इज इक्ल्स टू के साइन से दिखाते हैं असाइंस द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन टू अ वेरिएबल यानी कोई वेरिएबल जैसे इंट आई इज इक्वल्स टू फाइव दैट मीन्स इंट आई इज इक्ल्स टू वन मीन्स वन इज स्टोर्ड इन आई Java allows you to combine arithmetic and assign assignment operators into a single operator. आप देखिए नीचे कैसे लिखने का दो तरीका इस्तेमाल किया गया x is equals to x plus five is equivalent to x plus is equals to five इसका shortcut है वो मैं last में दिखा दूँगी आपको chart shorthand बोलते हैं हम उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ठीक है okay मूव टू द नेक्स्ट ये है आपका शॉर्ट हैंड पार्ट जो मैंने आपको बोला ये जल्दी से इसकी पिक्चर ले लीजिए कि जब आपको कोई भी वैल्यू प्लस में दिखानी हो ऐडिशन करना हो तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो देखिए इग्जाम्पल में देखिए और इक्वैलेंट में देखिए आई इज इक्वल्स टू आई प्लस फाइव को कैसे लिखा गया आई प्लस इज इक्वल्स टू फाइव इसका मतलब भी सेम है तो ये थी आपकी शॉर्टकट ऑपरेटर और आज हमने जो क्लियर किया इस पूरे टॉपिक को उसमें जो चीज़ें थी वो थी हमने डिस्कस किया असाइनमेंट ऑपरेटर असाइनमेंट असाइनिंग द वैल्यू इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर जिसको इज इक्वल्स टू बोलते हैं फिर आप कौन से मिस्टेक नहीं करेंगे ड्यूरिंग द मॉड्यूलस एंड डिविजन साइन सिम्बल्स मॉड्यूलस ऑपरेटर डिस्कस किया हमने उसके बाद हमने डिस्कस किया इंटीजर डिविजन एग्जाम्पल्स उसके देखे कैसे करने होते हैं वो फिर हमने इंटीजर डिविज़न और मॉड्यूलस में फ़र्क देख लिया फिर हमने देखा कि हमें ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में ब्रेसेस लगाते यानी पैरेंथेसिस जब हम लगाते हैं तो उससे कितनी फ़र्क पड़ जाती है वैल्यू को वो हमने देखा एंड देन हमने यूनरी बाइनरी और ऑपरेटर्स को भी देख लिया लेकिन जो चीज़ रह गई है वो है टर्नरी ऑपरेटर एंड बिट वाइज ऑपरेटर और साथ में लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर जो बैक टू बैक मैं आपको इसके बाद वाली वीडियो में प्रोवाइड करूँगी आप बिल्कुल कोई वीडियो मिस मत करें अगर कोई मिस हो जाएगा तो आपको क्या होगा वो लेसन में फिर गैप हो जाएगी और आपको प्रॉब्लम होगी तो जस्ट वॉच ऑल अदर वीडियोज़ एंड गो थ्रू देम चलिए टास्क देख लिया जाए थोड़ा इसका तो लेट्स टेक टास्क ऑफ टूडे वीडियो सबसे पहले आप देखिए इस स्क्रीन को और इसमें देखिए क्वेश्चन में ए की वैल्यू फिफ्टी सिक्स बी माइनस एट सी आपको बताना है ए मॉड्यूल एट क्या बी क्या आंसर आएगा और फिर डी बताना है बी मॉड्यूल ए क्या आएगा और लास्ट में आपको सी की वैल्यू बीच में स्पेस आएगा और फिर डी की वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप बताइए इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है मल्टीपल चॉइस मिल रही है आज आपको सेकेंड क्वेश्चन देखिए कॉपी कर लीजिए फटाफट साथ में और जल्दी बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में जाके थर्ड क्वेश्चन एक्स की वैल्यू फोर्टी टू डबल वाई है यानी हमें डेसिमल में आंसर चाहिए मतलब वैल्यू ले रहा है वो डेसिमल में ठीक है अब आपको मॉड्यूल करना है बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा चेक प्लीज़ स्क्रीन लेते जाइए और फिर आराम से बैठ के इसको सॉल्व कीजिए ठीक है हड़बड़ाइए नहीं तो कोई मिस्टेक मत करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए इसमें से आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ठीक है जब ए की वैल्यू फाइव है तो वैल्यू ए मॉड्यूल टू क्या वो माइनस फोर होगी फिर सेकेंड कंडीशन देखिए फिर थर्ड कंडीशन देखिए बताना आपको कौन सी करेक्ट है ठीक है ऑप्शन आर गिवन रहे प्लीज़ मैंशन और इसको नोटबुक में बना के रेडी रखिएगा वीडियो के नंबर के साथ या आज की डेट की वीडियो के साथ भी आप रख सकते हैं इट वुड बी ईजी फॉर यू और ये है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको नम सिक्सटी नाइन है डे की वैल्यू है मंथ की वैल्यू फिर वो उसको लिखना भी है तो जल्दी से इसको बना लीजिए इतने क्वेश्चन हैं आज के आपके हॉलीडे में आज के आपके होमवर्क में बस इतना ही है आज का टास्क तो जल्दी से इसे पूरा कीजिए टिल देन स्टे सेफ स्टे होमवर्क